हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा स्टॉक है लेकिन धमाका बड़ा कर सकता है। बस इतना ही खूबी है ये स्टॉक में, देख सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक का जो अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, देख सकते हो अराउंड 27 हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और आज का डेट में देख सकते हो 7% का अपर सर्किट दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बजट में कुछ होने वाला है इसके ऊपर लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो दोस्तों जिन्होंने अभी ये स्टॉक को नहीं ख़रीदा है, ये प्राइस पे ख़रीद सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि मैंने 24 रुपीज़ पे ही आपको बताया था कि ख़रीदना है करके, वो भी मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप प्रूफ ही देख लीजिए। देखिए ये वीडियो RVNL, ये वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने साफ साफ लिखा था, रेल विकास निगम लिमिटेड, प्राइस मात्र 24 रुपीज़। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस मात्र ओनली 24 रुपीज़। यहाँ पर भी देख लो RVNL एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ में ये जब स्टॉक मिल रहा था, तब मैंने इसको बोला था कि फ्यूचर में ये जो स्टॉक है मल्टीपेकर बन सकता है और आपका किस्मत बदल सकता है। तो सोचिए 24 रुपीज़ था और आज के रेट में 27, मतलब सोच सकते हो दोस्तों 20 रुपीज़ का स्टॉक में अगर 3 रुपीज़ अपर सर्किट मार देता है तो आपको कम से कम तो 10 या 15% मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे। और ये देखिए पहला वीडियो था, और उसके बाद फिर से मैंने वीडियो अपलोड मारा था और बोला था कि देख सकते हो RVNL ओनली 25 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ओनली 24 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो दो बार मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। आप वीडियो भी देख सकते हो, मैंने आपको थंबनेल दिखाया, टाइटल दिखाया, आप देख सकते हो। तो अब क्या करना है दोस्तों, मैं बोलूँगा अभी भी आपको ख़रीदारी करके चलना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है दोस्तों। ऐसा स्टॉक शायद कभी कभी मिलता है जो प्राइस में छोटा और धमाका में बड़ा। तो आपने नहीं ख़रीदा तो सोच क्यों रहे हो आप? मेरा मतलब है अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के तौर से ज़रूर खरीदिए। और ये स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड 23, 24 या 25, अराउंड 25 के आसपास से क्यों ट्रेड करता था, मतलब कुछ लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि क्यों ये जो है 25 रुपीज़ के रेंज में ही रहता था। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको ये जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, क्वार्टर रिजल्ट के लिए ये जो है एक ही रेंज में रखता था, क्योंकि इसमें सेल्स में ग्रोथ आई थी लेकिन ग्रोथ आने के बाद फिर से वहाँ पर नीचे आ गया था, मतलब फिर से जो ग्रोथ आया था वो रिकवरी मोड में ले लिया, ठीक है। तो सितंबर 2000 यहाँ देख सकते हो 2018 में 3600 है, 3600, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो सितंबर के बाद दिसंबर में क्वार्टर में क्या हुआ, 3600 लॉस हो गया इसका मतलब, ठीक है, 600 लॉस हुआ। उसके बाद 2019 में 3400, चलो कुछ तो रिकवर हुआ, ठीक है, कुछ तो रिकवर हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर से यहाँ पर डिक्रीज हो गया जून में 2000, यहाँ देख सकते हो जून 2019 में 2800, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 600 का फिर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये दोनों में। लेकिन 2019 सितंबर में 3700 है, 3750 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिए 3600 था और 600 से और भी नीचे गया, और भी नीचे गया, लेकिन फाइनली जो है 3700 को क्रॉस किया, ठीक है। 6000 वहाँ पर देख सकते हो 3600 है, लेकिन यहाँ पर 3600 को क्रॉस करके 700 में चला गया और उससे भी। तो ये जो टाइम है इम्प्रूवमेंट का टाइम है, और इस टाइम में बजट भी है। अगर बजट में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है कि टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती किया जाएगा तो दोस्तों ये शेयर मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ माना जाएगा, और आपको बाजार बहुत अच्छे मूड में भी दिखेगा, तो आप वहाँ पर अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये वजह था कि इस स्टॉक में अपर सर्किट नहीं लग रहा था, उसी वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट था वो भी दोस्तों अप डाउन एक रेंज होता है जिसमें वो फंस जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर देख लीजिए 2018 सितंबर में कितना हुआ था, 250, ठीक है, मान लीजिए 260 है, 260 के बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 190, मतलब यहाँ पर लॉस हुआ थोड़ा, ठीक है। इसके बाद 185 थोड़ा सा और, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए 150 ही हो गया उसके बाद, ठीक है। कहाँ से 150 हुआ,
250 से 260 मान लीजिए, 260 से 150 हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बाउंस बैक लिया, यहाँ पर देख सकते हो 150 से 244, मतलब सारा लेवल तोड़ दिया, ठीक है। 244 मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्या किया जाएगा, कंपनी फिर भी जो है इम्प्रूवमेंट के तौर पर आगे बढ़ रही है। और दोस्तों ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें आपको डिविडेंड भी अच्छा देखा जाएगा, तो डिविडेंड अगर देती है तो और अच्छा है। अगर बाई चांस बोनस दे दिया तो दोस्तों ये स्टॉक फिर किसी के हाथ में नहीं आने वाला। तो अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे इसमें बताया जा रहा है कि आपको बोनस दिया जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर बोनस मिल गया तो ये स्टॉक हाथ में नहीं आएगा। पूछो क्यों, प्राइस कम है, सब लोग खरीद लेंगे पहले से, ऑलरेडी खरीद लेंगे, इसलिए आपको पहले से तैयारी करना है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, छोटा स्टॉक है, थोड़ा पैसा डाल दो और साइड में रख दो, साइड में एक कोने में रख दो, अपने डीमैट के अकाउंट के साइड में रख दो, छोटा सा स्टॉक है, छोटा सा प्राइस है और छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। और धीरे धीरे आपको जैसा प्रॉफिट होता है फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से इंक्रीज़ कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम फिर से बताने वाले हैं कि कौन सा वो स्टॉक है जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है।